fill in the blanks with the given conjunction. This is the 6th question. Is underline the verb in given sentence. Iske 7th question aap dekh sakte hain, choose the most. Iske 8th question isi mein hai. Uske baad dosto aapko 9th question isme mil jayega. 9th ke baad dosto aapko niche mil jayega section D. Section D mein aapko dosto 10th question hai, read the passage with given and answer question below. Usme dosto aapko pehla, dusra, teesra, aapko dosto isme 4 option mil jayega. 4 option se jo sahi aapko tick lagana hai us aapko 4th question mil jayenge. उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे आपको दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको 11th क्वेश्चन मिल जाएंगे. दोस्तों इसमें भी आपको रीड करके इस फ्लोइंग को फिल करना है. इसमें दोस्तों आपको मिल जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. दोस्तों इसी तरह से मैं डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूं. तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. दोस्तों देख सकते हैं हम 4th क्वेश्चन पे आ गए. 4th क्वेश्चन पे आपको दोस्तों चारों में से जो सही है आपको टिक लगाना है. उसके बाद हम दोस्तों 7th पेज पे आ गए. 7th पेज पे आपको दोस्तों 12th क्वेश्चन मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डू यू एनी. आपको जो भी आपको 5th में जो आपको आता है वो कर सकते हैं. उससे दोस्तों आपको नीचे डायग्राम मिल जाएगा, डायग्राम का आपको इसको देखकर आपको कर सकते हैं डिस्क्राइब. उसके दोस्तों हम लास्ट पेज पे आ गए हैं. लास्ट पेज आप दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह से मैं डेली वीडियो डालते रहता हूं. तो आपको और किसी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम ला देंगे आपके लिए.